हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग चैनल। तो गाइस अभी हम है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे, जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे राजेंद्र टर्मिनल स्टेशन पे भी इस वक्त हम है। और ये पीछे का व्यू देख सकते हैं, पीछे पार्किंग का दिया हुआ है, स्टेशन की बाहर की तरफ का पार्किंग का एरिया है। चलिए आपको दिखाते हैं। और इधर देखिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बोकारो थर्मल, बहुत दिन पटना में रुक के तो बोकारो थर्मल जा रहे हैं और कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से। तो मैंने सोचा आपको एक बार राजेंद्र टर्मिनल स्टेशन का व्यू दिखा देता हूँ, जो कि आप देख पा रहे होंगे इस वक्त। और ये प्लेटफॉर्म नंबर वन है, ये जो आप देख पा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर वन है। ये प्लेटफॉर्म नंबर वन के जस्ट इस साइड पार्किंग का एरिया, बहुत ही बड़ा पार्किंग बना हुआ है। तो गाइज देख सकते हैं, गाइज ये पार्किंग का बहुत ही बड़ा एरिया राजेंद्र टर्मिनल स्टेशन पे। अगर आप मतलब आना चाहते हैं प्लेटफॉर्म नंबर वन से, अगर आप गाड़ी खुल रही है इस नंबर प्लेटफॉर्म से, आराम से गाड़ी किसी को मतलब पार्क करके आराम से मतलब किसी को चढ़ाने या रिसीव करने आराम से आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम माल ढुलाई का काम भी आसानी से हो जाता है, इसीलिए ये टर्मिनल को इतना बड़ा मतलब पार्किंग साइट बनाया गया। और ये देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर ब्रिज है जो कि सीधा एकदम चल जाती है, आपको बहादुरपुर साइड चल जाती है या मोहिनीनगर स्टेडियम साइड चल जाती है, तो कि आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक बार पूरा एकदम व्यू, फ्रंट व्यू दिखाते हैं आपको। तो गाइस पीछे देख पा रहे हैं राजेंद्र टर्मिनल स्टेशन का व्यू, काफ़ी खूबसूरत व्यू है इस स्टेशन का। और ये देखिए पीछे, बहुत ही बड़ा स्टेशन राजेंद्र टर्मिनल भी। ये देखिए भारत का तिरंगा शान, जो कि हमारे देश का सबसे शान है, किस तरह से लहरा रहा है हवा में। जस्ट गाइस इधर रोड है और रोड के अंदर एंट्री करिए, ये देखिए राजेंद्र टर्मिनल स्टेशन का पूरा व्यू, एकदम उस साइड पार्किंग एरिया था। और ये स्टेशन का व्यू देख लीजिए, राजेंद्र टर्मिनल काफ़ी अच्छा खूबसूरत डिजाइन है। और ये हमारा तिरंगा, देश का शान, आन बान शान हमारी तिरंगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ऐसे देख के, कहीं ना कहीं अंदर से बहुत हिम्मत होता है। और ये देखिए फवारा, जो पानी का फवारा निकलता है खाली, शायद अभी बंद होगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनके नाम से ही जिसके नाम से ही इस स्टेशन का नामकरण हुआ है। और ये देखिए आप राजेंद्र टर्मिनल रेलवे स्टेशन का कुछ इस तरह का व्यू है, जो कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त। और ये जो देख रहे हैं सामने पीला पीला, कॉमर्स कॉलेज हुआ, कॉमर्स कॉलेज के जस्ट सामने राजेंद्र टर्मिनल रेलवे स्टेशन। पार्किंग का काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है, कोई बिल्कुल किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइनिज किया गया है इस स्टेशन को। तो चलिए अब आपको प्लेटफॉर्म के अंदर ले चलते हैं। तो भाई इधर ही जनरल का काउंटर का टिकट कटता, ओपन रिजर्वेशन टिकट कटता है। और ये सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं, अगर आप 140 सीढ़ी जाना चाहते हो तो उसे भी आप जा सकते हैं। ये 140 सीढ़ी भी लगा दी गई है। और ये देखिए इस वक्त हम चढ़ गए हैं 140 सीढ़ी पे। ये देखिए गाइज आराम से, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म के साइड ही है। और ये आ गए हम जस्ट, और ये फुट ओवर ब्रिज पे आ गया। सीढ़ी का भी माध्यम दिया गया है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर वन है, टोटल प्लेटफॉर्म चार है इस स्टेशन पे। और ये प्लेटफॉर्म नंबर वन है, देख सकते कितना स्पेस है यहाँ पे। एक बार आपको ऊपर से व्यू दिखा देते हैं, ऊपर से व्यू देख लीजिए आप एक बार। तो गाइस इधर देख लीजिए आप, अब इस साइड का भी आपको व्यू दिखा देता हूँ राजेंद्र टर्मिनल रेलवे स्टेशन का। उधर उस साइड चार नंबर प्लेटफॉर्म जाने का साइड है, हालांकि एस्केलेटर इस साइड भी लगाया गया है, देख सकते हैं चढ़ने वाला एस्केलेटर। इधर सीढ़ी दिया गया है, वो प्लेटफॉर्म में एक, प्लेटफॉर्म दो, प्लेटफॉर्म तीन, प्लेटफॉर्म में चार, टोटल प्लेटफॉर्म में चार हैं। जो भी ट्रेन यहाँ से खुलती है राजेंद्र टर्मिनल यार्ड से, एक नंबर और दो नंबर से ही खुलेगी। अब मेन लाइन वो हुआ, इधर से ट्रेन जो उधर से आएगी, इस साइड से जो ट्रेन उधर जाएगी वो इस तीन नंबर पर आएगी, और उधर से जो ट्रेन आएगी वो चार नंबर पर आएगी। तो आपको यार्ड का भी व्यू दिखा देते हैं, यार्ड एकदम, हालांकि दिखेगा ना यार्ड उस साइड एकदम दूर में यार्ड है राजेंद्र टर्मिनल का। देख सकते सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ों का व्यवस्था किया गया यहाँ पर। चलिए आपको दिखाते एक बार नीचे का भी व्यू। तो गाइस देख सकते हैं व्यू,
ये प्लेटफॉर्म में 3 PM आ चुके इस वक्त हम। और ये देखिए सारे खाने पीने का सारा से स्टॉल सब कुछ लगा हुआ है, आप खा पी सकते हैं यहाँ आराम से इजली। और इस वक्त प्लेटफॉर्म में 3 PM है, पानी पीने का भी व्यवस्था है, सारा चीज़ है वो प्लेटफॉर्म में एक जो कि आपको दिखाए हम। ये 3 या 4 मेन प्लेटफॉर्म है, मतलब मेन लाइन जिस ट्रेन को यहाँ पे नहीं स्टॉपेज है, मतलब कहीं और से आते तो यही 2 प्लेटफॉर्म से होते हुए जाएगी जो कुछ देर मैंने पहले आपको बताया। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म ये 2 और 3 के बीच में एस्केलेटर भी दे दिया गया, यहाँ पर एस्केलेटर लग चुका है। यहाँ भी एस्केलेटर दे दिया गया है। तो गाइस ये मैंने आपको व्यू दिखाया रायनेटर में रेलवे स्टेशन का, जो भी मुझे बन पाया मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। और एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया, इस स्टेशन पर वाईफाई की भी सुविधा है जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड देती है। तो यहीं पर मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों, अपने जितने भी सारे लोग हैं सब में शेयर करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।